क्या 5G नेटवर्क सच में इंसानों की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है? क्या 5G से हो सकती है मौत? वेल, ऐसी सारी चीज़ें आपने सुनी रहेंगी 5G नेटवर्क को लेके। तो क्या सही में ये सारी चीज़ें सच है या बस ऐसे ही बातें हैं? हमारे आज के वीडियो में हम 5G नेटवर्क से रिलेटेड कुछ ऐसी ही बातों को डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए। दोस्तों, 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो आज के मुकाबले में आपको 10 गुना ज़्यादा अच्छा इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करेगा। देखा जाए तो सिर्फ इंटरनेट के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत से आने वाली ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजीज के लिए भी बेहतर साबित होगा। इसके फ़ायदे बहुत हैं। हमारी ज़िंदगी की रफ्तार में और भी तेज़ी आ जाएगी। इस नेटवर्क से हमारी लाइफ तो आसान हो जाएगी, पर शायद हमारे पर्यावरण की ज़िंदगी ख़त्म होने लगेगी। कैसे? तो चलिए इसी चीज़ को समझते हैं। 4G नेटवर्क मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करता है, जबकि 5G नेटवर्क गीगाहर्ट्ज रेंज में काम करता है। और ये जो फ्रिक्वेंसी रेंजेस है, वो कनेक्शन को वायरलेस करने के लिए शुरू किया गया था। 5G नेटवर्क 28 गीगाहर्ट्ज से 39 गीगाहर्ट्ज के बीच ऑपरेट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा है 4G के मुकाबले में। ये नेटवर्क मिलीमीटर वेव इस्तेमाल करते हैं। ये इतना कम रेंज होता है कि अगर एक पेड़ भी इन टॉवर्स के बीच में आ गया तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसके टॉवर्स या एंटीनास को कम दूरी पर जगह जगह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। 5G टॉवर्स को लगाने के लिए अच्छा खासा जगह की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इनके टॉवर्स को लगाने के लिए बहुत से पेड़ भी काटने पड़ सकते हैं। अब बात करें पक्षियों की, तो माना जाता है कि पक्षियों का शरीर बहुत नाजुक होता है और इसी वजह से वो इन नेटवर्क टावर्स से निकलने वाले रेडिएशन से मारे जाते हैं। शहरों में बढ़ते मोबाइल टावर्स की वजह से पक्षियों के अंडे भी खराब हो जाते हैं और इनकी घटती आबादी का भी एक मुख्य कारण है। ये रेडिएशंस इंसानों पे भी धीरे धीरे असर करते हैं। मोबाइल के रेडिएशन से कान और दिमाग पे असर होता है अगर लंबे वक्त तक इस्तेमाल करें तो, पर 5G नेटवर्क के रेडिएशन से हमारे शरीर में मौजूद सेल्स को डैमेज हो सकता है, बल्कि ब्रेन ट्यूमर जैसी होने वाली बीमारियों के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इस नेटवर्क से हमें तुरंत इसके नुकसान नहीं दिखेंगे, पर आने वाले समय में हमें लंबे वक्त का नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस पे बहुत से रिसर्च हुए हैं, पर किसी में भी ये बात साबित नहीं हुई है कि 5G नेटवर्क से कैंसर या स्किन प्रॉब्लम जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब तक जितने रिसर्च हुए हैं, उतना काफ़ी नहीं है इतना समझने के लिए कि इंसानों के शरीर के लिए ये कितना सेफ है या नहीं। थोड़ा सोचा जाए तो भारत में फ़िलहाल 5G लाने सही नहीं होगा। हमारे यहाँ 4G ही बेहतर से नहीं चलता है, तो 5G ला के क्या मतलब? जो करंटली नेटवर्क है उसी को थोड़ा और वक्त लेके बेहतर करना चाहिए। वैसे 5G नेटवर्क तो हम यूज़ तो कर लेंगे, पर क्या आज के वक्त में हमारा शरीर, हमारा पर्यावरण इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नेटवर्क को संभालने के लिए तैयार है? कमेंट करके ज़रूर से बताइए। सो गाइज, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द हिस्टोरिक वर्ल्ड को।